Good morning students, hope you all are fine. Our today's topic is phenetic classification. Phenetic classification biological classification का एक part है. Phenetic classification में क्या कह रहा है कि ये किस पे बेस होता है, जो affinities, similarities और dissimilarities of characteristics present on the प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म, आज के दिन जो किसी ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं उसके करेक्टर के बेस पे, तो उसे हम कहते हैं फिनेटिक क्लासिफिकेशन. इसमें इवोल्यूशन का कोई रोल नहीं होता. जो हमारे एंसेस्टर के फॉसिल्स होते हैं उनके जो ट्रेड्स हमें मिलते हैं, उनमें जो वेराइटीज़ मिलती हैं, उनका फिनेटिक क्लासिफिकेशन में मेनली कोई रोल नहीं होता. उसके बाद कह रहा है कि हमारी जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन है, इसको सपोर्ट करने के लिए इसकी फोर मेजर ब्रांचेज होती हैं. पहली है साइटोटैक्सोनॉमी, सेकंड है कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो उसकी सेल स्टडी करते हैं. सेल में हम देखते हैं कि उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, माइटोटिक बिहेवियर, म्यूटिक बिहेवियर कैसा है. ये इन सब के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को, यानी क्रोमोसोम लेवल के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में कम नंबर हमें क्रोमोसोम के मिलते हैं और कुछ में ज़्यादा मिलते हैं. कई बार क्या होता है कि जो हमारे छोटे क्रोमोसोम होते हैं वो फ्यूज़ करके लार्ज क्रोमोसोम बनाते हैं. इसी तरह इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे जो हर्बेशियस प्लांट हैं इनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुडी प्लांट्स. बड़े जो हमारे ट्रीज होते हैं उनके क्रोमोसोम नंबर कम मिलते हैं. इसका एक ये भी रीज़न है कि हमारे जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं वो मोर एडवांस्ड होते हैं देन वुडी प्लांट्स. वुडी प्लांट्स में हमें प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जबकि जो हमारे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें एडवांस्ड करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं. इसी तरह कह रहा है कि जो हमारे जनरा के डिफरेंट स्पीसीज होते हैं उनके अंदर भी हमें अलग अलग क्रोमोसोम मिल जाते हैं. एक ही जनरा के हैं लेकिन स्पीसीज अलग अलग हैं और उनके क्रोमोसोम नंबर भी अप डाउन हो सकते हैं. जैसे कि सोलेनम स्पीसीज जो होती है उसमें 12 क्रोमोसोम मिलते हैं हमें. कैरिसेंथमम जो है उसके अंदर हमें 9 क्रोमोसोम मिलते हैं. इसी तरह अगर मैमल्स की हम बात करें तो ह्यूमन और एप्स दोनों मैमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ह्यूमन जो होते हैं इनके अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर. जबकि अगर एप्स की बात करें तो उसके अंदर 48 क्रोमोसोम हमें मिलेंगे. ये जो हमारे रेड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो रेड्यूस्ड हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पूरी की पूरी आर्म जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाती है दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बाद. तो इसका एक मेन रीजन ये भी है. तो ये हमारा क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी में क्या कह रहा है, ये एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो किसके बेस पे अलग किया गया है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंस, एल्कलॉइड, क्रिस्टल्स, बेटा साइनिन एट्सेट्रा. इन सब के बेस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है. ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं उनके बेस पे अगर ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी कह रहा है कि प्लांट्स हमारे जो होते हैं इनमें मोर स्पेसिफिक होते हैं, जनरली स्पेसिफिक होते हैं और स्टेबल भी मिलते हैं, ये इजीली चेंज नहीं होते. अगर हम एंशिएंट मेडिकल साइंस की बात करें तो पुराने टाइम पे जो मेडिकल मैन होते थे वो आसानी से पौधों को उनकी फ्रेग्रेंस, टेस्ट और उनके केमिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे पहचान लेते थे और जड़ी बूटियों के रूप में यूज़ करते थे. जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, जैसे कि रैफिड्स हैं, ये सिर्फ 35 फैमिलीज तक ही रेस्ट्रिक्टेड हैं. सिर्फ 35 फैमिलीज में ही मिलते हैं प्लांट्स में. उसके बाद कह रहा है इसी तरह से हमारे जो एल्कलॉइड्स हैं ये भी कुछ फैमिलीज में ही रेस्ट्रिक्टेड हैं. बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड जो है ये हमें पेपेवरेशियाई फैमिली में मिलता है. पेपेवरेशियाई, बर्बेरी, डेशियाई और रेनिनक्लेशियाई, इन फैमिलीज में ही हमें ये सिर्फ मिलते हैं.
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे करेक्टर्स प्रेजेंट या एबसेंट है, यानी कि ये कहते हैं कि रिजेम्बलेंस और डिफरेंस है, या प्रिमिटिव या एडवांस्ड करेक्टर जो हैं उनके बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना। इसमें कंप्यूटराइज एनालिसिस करते हैं हम, मेनली इसके लिए सिंबल यूज करते हैं प्लस माइनस का एंड थीटा का। प्लस अगर करेक्टर प्रेजेंट है तो, माइनस अगर एबसेंट है तो, और थीटा अगर डाटा नॉट अवेलेबल, यानी कि करेक्टर्स का पता नहीं चल रहा है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में उनके करेक्टर्स प्रेजेंट है या एबसेंट है, यानी कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, प्रिमिटिवनेस और एडवांसमेंट के बेस पे अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी में क्या कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी फाइलोजेनी हम देखते हैं, उसका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, एंसेस्टर कहाँ से आ रहा है ये देखते हैं। और एंसेस्टर इसलिए देखते हैं कि हम जो आज के टाइम पे प्रेजेंट करेक्टर हैं उसको देख रहे हैं कि आज जो प्रेजेंट है वो एंसेस्ट्रल करेक्टर है, पहले से ही चला आ रहा है, या बाद में ड्राइव किया गया। ड्राइव जो एंसेस्ट्रल करेक्टर वो होते हैं जो हमें माता पिता से मिलते हैं, माँ बाप पेरेंट्स से मिलते हैं, और जो हमारे ड्राइव्ड होते हैं जो हम लाइफ टाइम के दौरान, जैसे हमने बाल कटवा लिए या बड़े कर लिए, हमने कान जो है उसमें छेद करवा दिए, नाक में छेद करवा दिए, तो ये हमारे ड्राइव्ड करेक्टर हैं। तो इनके बेस पे हम किसी ऑर्गेनाइज्म को कैटेगराइज करते हैं कि वो एंसेस्ट्रल करेक्टर है या ड्राइव करेक्टर है। उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना क्या कहलाता है, क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना उनकी सिमिलरिटीज या उनके ड्राइव्ड करेक्टर के बेस पे, जो कि डिफरेंट एंसेस्ट्रल करेक्टर्स रखते हैं, तो ऐसा एक प्लॉट बनाना, एक ग्राफ बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री, और इसे कहते हैं हम क्लैडोग्राम। इसे क्या कहेंगे हम, क्लैडोग्राम।